ये है हमारा अलवर का स्टे। इसका नाम है होटल बुर्जा हवेली। ये होटल नहीं है, रिजॉर्ट नहीं है, ये एक पुराने किसी ठाकुर की हवेली है जिसको अब उसने किराए पर उठा दिया है। ठीक है, तो ये इसका एंट्रेंस है। इसको बिल्कुल वही ओल्ड लुक दिया हुआ है, ओल्ड वर्ल्ड चार्म बोल दीजिए। यहाँ पे टीवी सारे पुराने हैं। ये इनका बाहर का, ये सिर्फ बाहर का एरिया है जिससे हम, कोर्ट यार्ड है ये इनका जहाँ से अंदर जा रहे हैं। ये आ गया मेन एंट्रेंस। ठीक है, ये ग्रैंड एंट्रेंस है, अच्छा है। ये वो पुराने बड़े वाले गेट, ये इधर छोटा सा रिसेप्शन, और ये आ गए हम जो हवेली का प्रेमिसेस है। यहाँ पे सारी ये फैसिलिटीज़ लिखी हैं। ये इनका जो बिगेस्ट अट्रैक्शन है वो ये है, ये रात के लिए है कि यहाँ पर एक आंटी आपको खाना बनाती हैं उसी समय, टिपिकल राजस्थानी स्टाइल में। और ये अब हम जा रहे हैं रूम्स की तरफ। बार भी अच्छा है इनका, ऊपर देख लिया था। अलग अलग कैटेगरी के रूम्स हैं, रूम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं बस साइज़ डिफरेंट है। तो वही कैटेगरी है फिर, रेगुलर डीलक्स और सुपर डीलक्स। हमने सुपर डीलक्स रूम्स लिए थे तो ये हमारा सुपर डीलक्स रूम है। ये एंट्री करी, देख रहे हैं बिल्कुल ओल्ड वर्ल्ड चार्म। काफ़ी बड़ा रूम है, काफ़ी स्पेशियस है। इधर ये बेड, बिल्कुल वो पुराने रूम्स हवेली के, लेकिन हाँ नीट एंड क्लीन मेंटेन्ड। ये टॉयलेट इधर, लाइट ऑफ है अभी। अब ये अब कहीं नहीं देखने को मिलता कि पुराने, अब देखने को क्या नहीं मिलता, देखिए अब मिलना भी नहीं चाहिए था देखने को। टीवी तो एटलीस्ट इस टाइम एलईडी एलसीडी कुछ तो होना चाहिए, इसको तो ऑन करने का भी मन नहीं कर रहा खैर, पर बाकी सब ठीक है। और जब आप घूमने निकले हैं तो टीवी तो खैर कौन ही देखेगा। तो काफ़ी बड़ा रूम है, काफ़ी बड़ा, तो चार लोग एक ही रूम में रुक सकते हैं अगर अच्छी ट्यूनिंग है, मतलब चार लड़के हों तो रुक ही जाएंगे। ऊपर चलेंगे वो दिखाएंगे, वो ऊपर इनका ओपन टेरेस है वो अच्छा है। तो इसी तरह से ये सारे रूम्स हैं।